हेलो बच्चों, आज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग वाला है, डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना समझते हैं अच्छे से, तो उसी हिसाब से चलेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर्स फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि क्या हमें नंबर दे दिए गए हैं यहाँ पे, और उस नंबर में बीच में एक ब्लैंक दे दिया गया है। यानी एक ब्लैंक का मतलब एक डिजिट आएगी सिर्फ। और वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी है कि क्या आएगी जिसके बाद ये नंबर 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, तो क्या करें जल्दी से, अब आपके ऊपर कैसे समझते हो। चलो मैं करवाता हूँ, बाकी आप देखना कि इसको कैसे करना है। हमारे पास डिजिट्स कितनी होती है टोटल मिला के, 10 डिजिट होती है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं होती, 10 तो 0 हो गया ना, कि 10 तो दो डिजिट होगी, 1, 0 मिला के तो 0। ठीक है, ऐसे अब हमें क्या करना है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जीरो डिजिट आ रही होगी जिसको डालने के बाद ये 3 से डिवाइड हो जाए, हमें वो निकालना है। यही चीज़ है। तो देखो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले 3 को टेस्ट करने के लिए कोई नंबर को हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी इसको मान लेते हैं कुछ नहीं, क्या करें इसको आप मान लो एक्स मान लो अभी के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सारी डिजिट को ऐड कर देते हैं। एक्स प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। एक्स का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में आएगी वो हो जाएगी एक्स के इक्वल। अब ये क्या हुए, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 4 19। ओके, देखो एक्स प्लस 19। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे ये नंबर चेक करना होता तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू का सम आया वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसके अंदर स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए करते हैं, ये है 19। अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू डालें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए नंबर। ओके, तो 19 के अगर अंदर हम 0 डालें तो क्या होगा, ये 0 डालोगे अगर मान लो इसके अंदर तो 19। अब क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता तो 0 ले सकते हैं, ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो 0 नहीं ले सकते। 1 से करें, 1 अब x की जगह 1 डाल देते हैं। अगर मैंने x की जगह 1 माना, देखो x को हमने 0 माना तो मेरे पास ये आया, x को मैं जब मैं 1 मान रहा हूँ, ओके, तो क्या होगा, ये x की जगह 1 प्लस 19 ये हो गया 20। अब 20 भी नहीं होता, ओके, x को क्या मानते हैं अब हम 2, क्लियर। अब 2 मानूंगा तो ये है 19, क्या हो जाएगा 21। अब 21 तो भाई आता है, बिल्कुल आता है 3 के टेबल में। तो क्या हुआ कि 2 हमारी वो सबसे पहली स्मॉलेस्ट डिजिट है जिसको डालने के बाद जो नंबर का सम है वो ऐसा बन जाता है जो 3 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है वैल्यू वो तो आ गई 2। तो एक्स की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट होगी यहाँ पे वो क्या होगी, 2, क्लियर। यानी नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, 2, 6, 7, 2, 4। ओके, अब लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट के लिए कर ले, बड़ा सिंपल है। अब आपको हर डिजिट चेक नहीं करनी, अब हमें पता है 21 के बाद क्या आता है 24 डिवाइड होने के लिए 3 के टेबल में, यही होगा। तो 2 के अंदर 3 ऐड करेंगे तभी तो 24 बनेगा। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 19 24। अब 5 के बाद अगर 24 बनता था उसके हमें ग्रेटेस्ट पे जाना है, 5 के बाद हम 3 और ऐड करते हैं 8। यानी मान लो इसको ऐसे लेंगे, देखो अच्छे से समझते हैं। अब हम x को क्या करेंगे, 5 ले लिया, 2 के बाद 3 ऐड करके 5 मानेंगे, 5 लेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास ऐड करने के बाद 5 प्लस 19। ओके, 19 इज इक्वल टू 24, ये हो रहा है। बट क्या ये ग्रेटेस्ट है, हमें ये भी देखना है। अगला हमारे पास क्या आता है, 5 प्लस 3 करके 8, 8 प्लस 19 विच इज़ इक्वल टू 27, ये भी डिवाइड होता है। 8 के बाद अगर आप 3 ऐड करोगे तो 11, 11 क्या हो जाती है हमारी, दो डिजिट नंबर हो जाती है जिसको हम नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, 8 हमारा वो नंबर हो जाएगा जो ग्रेटेस्ट होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ गया,
ग्रेटेस्ट के अंदर, ठीक है, ग्रेटेस्ट के अंदर आ गया 8, 6, 7, 2, 4, ओके। स्मॉलेस्ट में ये नंबर बनेगा, ग्रेटेस्ट में ये नंबर बनेगा। समझ में आया कैसे करना है? अब इसको देखो, आपके लिए इजी हो जाना चाहिए। 4, 7, 6, 5 एंड 2 सेम वही तरीका करेंगे। देखो अब ऐड कर लें, 4 + 7 + 6 + 5 + x + 2 लिख सकता हूँ। 4 + 7 = 11, 11 + 6 = 17, 17 + 5 = 22, 22 + 2 = 24 एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 4 + 7 = 11, 11 + 6 = 17, 17 + 5 = 22 एंड 24 ओके। तो ये हो गया 24 प्लस में एक्स। अब चालू हो जाए स्मॉलेस्ट से, जीरो है मेरे पास, जीरो ऐड करूँगा अगर एक्स की जगह। देखो एक्स की जगह मैंने जीरो ऐड किया, 24 + 0 = 24 क्या हुआ, नंबर डिवाइड हो रहा है हमारा, ठीक है, टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो बन रहा है क्या 4, 7, 6, 5, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। लार्जेस्ट के लिए अब क्या करेंगे, इसी में 3, 3 ऐड करके देखो कहाँ तक जाएंगे। अगला अगर 3 ऐड करेंगे ये आएगा, देन अगला हम ऐड करेंगे तो आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे जाके आएगा, ओके। जल्दी से बता रहा हूँ, जीरो के बाद देखो 3 लेंगे तब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर पे जाने का मौका है ना, क्यों, 3 के बाद 3 ऐड करके 6 पे आ सकते हैं, 6 के बाद 9 पे आ सकते हैं, उसके बाद कहीं नहीं जा सकते। तो हमारे पास अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी 9, तभी ये नंबर होगा। तो क्या बन जाएगा 9 + 24 क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, 4, 13 और ये 33, ओके 33 हमारे पास नंबर बनता है टोटल मिला के। तो हमारा जो टोटल हमारा नंबर क्या बनेगा, अब 4, 7, 6, 5, 9, 2 ओके। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट, ये स्मॉलेस्ट, तो आपको इस तरीके से निकालना था, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं जो आगे आएगा वो करते हैं, आई थिंक 6 एंड 7 दो क्वेश्चन हो रहा है वो कर लेंगे जल्दी से, देन ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, देन मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, आई थिंक इसके अंदर 7-8 एक्सरसाइज है तो करेंगे, बट प्लीज़ जो प्रीवियस चीज़ें उसको रिवाइज करके जरूर आना, तब इसको अच्छे से कर पाएंगे, ओके। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय, एंड वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना दोस्तों, थैंक यू।